बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर, फाउंडर एंड सीईओ TopGrade.PK। आज मैं TopGrade.PK का मिशन, विजन एंड कोर वैल्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो तीन चीज़ें हैं, मिशन यानी हम क्या करना चाह रहे हैं, एंड विजन यानी जो हम करना चाह रहे हैं वो हम कैसे करेंगे, और कोर वैल्यूज़ यानी कि हम किन वैल्यूज़ को हम एज अ टीम हम ऑब्जर्व करते हैं या किन रूल्स के ऊपर हम अमल पैरा रहते हैं, राइट। सो इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं ब्रीफ सी डिस्कशन करने वाला हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि द कम्युनिटी शुड नो अबाउट आर मिशन, विजन एंड आर कोर वैल्यूज़, एंड इवन मोर इम्पॉर्टेंटली ईच एंड एवरी सिंगल टीम मेम्बर ऑफ TopGrade.PK शुड बी नोइंग दिस थिंग्स, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं लाइक मिशन, विजन और कोर वैल्यूज़, यही तो ओवरऑल कंपनी का फैब्रिक डिटरमिन करती हैं, और डे इन डे आउट बेसिस के ऊपर हमें डिफरेंट डिसीजंस बनाने में ये हेल्प भी करती हैं। तो इसमें इससे पहले कि मैं मिशन के बारे में इन डेप्थ थोड़ी सी बात करूं, मैं कुछ कोर बिलीव्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लाइक ये वो बिलीव्स हैं जो कि मेरे माइंड में थे और इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने से पहले, और उनके ऊपर समझ लें कि ये इंस्टीट्यूशन खड़ा है। तो इसमें पहला बिलीफ ये है कि टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद द ह्यूमैनिटीज, इट हैज़ गॉट कैपेबिलिटी टू चेंज द वर्ल्ड। अगर हम टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटीज़ के साथ कंबाइन कर सकते हैं इन अ गुड वे, एंड वी कैन सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम सम हाउ यूजिंग टेक्नोलॉजी, वी कैन चेंज द वर्ल्ड, राइट। इसकी सैकड़ों एग्जाम्पल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लाइक जैसे बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक यू हैव गॉट एप्पल एंड फेसबुक, लाइक उन सब ने क्या किया है, उन्होंने किसी सोशल प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व किया है, और अल्टीमेटली दे हैव इम्पैक्टेड द होल वर्ल्ड। और उसके बाद फिर एक और बात कि इन्वेंशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम इनोवेशन। इन्वेंशन होती है जैसे किसी चीज़ को नए सिरे से बनाना, और इनोवेशन का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कुछ ज़्यादा यूज़फुल बना देना, राइट। तो जैसे पहिया एक इन्वेंशन है, राइट, और पहिए को और बहुत सारी ऐसी इन्वेंशंस को यूज़ करके एक गाड़ी को बनाना, ये एक इनोवेशन है, राइट। गाड़ी एक इन्वेंशन नहीं है। तो TopGrade.PK के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वी आर नॉट द इन्वेंटर्स, वी आर द इनोवेटर्स। बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं, हम इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको यूज़ करके हम लर्नर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, हम उनके इम्तिहान की तैयारी को इजी एंड एंजॉयबल और अफोर्डेबल बनाना चाह रहे हैं, राइट। सो वी आर द इनोवेटर्स। सो एक तो लाइक दो बातें मैंने आपसे कह दी अभी तक, जो कि जिन पे हम बिलीव करते हैं, मैं एज अ फाउंडर ऑफ TopGrade.PK बिलीव करता हूँ। एक तो टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद ह्यूमैनिटी इट कैन चेंज द वर्ल्ड, एंड सेकेंडली इन्वेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम इनोवेशन, एंड वी आर इनोवेटर्स, वी आर ट्राइंग टू इनोवेट एट TopGrade। एंड थर्ड जो बिलीफ है TopGrade का, वो ये भी है कि टेक्नोलॉजी शुड बी ईजी टू यूज़ एंड इंटेंडेड टू चेंज द लाइफ ऑफ ऑर्डनरी पीपल। कि जो टेक्नोलॉजी है ये इजी टू यूज़ होनी चाहिए, एंड इट शुड बी इंटेंडेड टू चेंज द लाइफ ऑफ ऑर्डनरी पीपल, और इसको इस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए कि आम इंसानों की लाइफ को ये चेंज करें, राइट। सो हम एज इंस्टीट्यूशन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बिल्ड करें, एक आम स्टूडेंट की जो लाइफ है वो चेंज हो, वो कदरे ज़्यादा आसान हो जाए, एटलीस्ट एज फार एज एग्जाम प्रेपरेशन इज कंसर्न। तो ये TopGrade ऐप कि एक लुक आपके सामने है। हम इसके मिशन और विजन पे बात करते हैं। आवर मिशन इज टू मेक द एग्जाम प्रेप इजियर, एंजॉयबल एंड अफोर्डेबल फॉर द स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड। हम पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए इम्तिहान की तैयारी, जो कि एक बड़ी स्ट्रेसफुल थिंग होती है, हम इम्तिहान की तैयारी को आसान तर और एंजॉयबल और इवन अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। सो लाइक थ्री वर्ड्स हमारे मिशन में बड़े क्लियर हैं, ईजियर, एंजॉयबल एंड अफोर्डेबल। हम चाहते हैं पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स की इम्तिहान की तैयारी ईजियर, इंजॉयबल एंड अफोर्डेबल बन जाए। सो दैट्स आवर मिशन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर विजन। हम ये मिशन कैसे अचीव करने का सोच रहे हैं? अगर आपको मैं सिंपलेस्ट वर्डिंग में एक्सप्लेन करूँ, आई वुड से वी आर ट्राइंग टू डू इट ऑनलाइन। हम सोच रहे हैं कि बच्चे जो फिजिकल इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ते हैं, उसकी बजाय अगर वो ऑनलाइन पढ़ें, तो हम ऑनलाइन पढ़ा के उनको उनकी तैयारी को ईजियर, इंजॉयबल एंड अफोर्डेबल बना सकते हैं।
तो फिर भी मैं विजन को, जो हमारे प्रॉपर विजन है, डॉक्यूमेंटेड विजन है, मैं उसको भी आपके लिए रीड कर देता हूँ। टू बी द अर्थ्स मोस्ट स्टूडेंट सेंट्रिक कंपनी, लाइक के एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसी कंपनी जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक हो, लाइक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स को वो इनसाइड आउट समझती हो टू इट्स वेरी डेप्थ। मैं समझता हूँ ये हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ होने वाली है, क्योंकि मैंने रियल वर्ल्ड फील्ड में बेतहाशा काम किया है विद द रियल रियल स्टूडेंट्स, और उनके प्रॉब्लम्स को मैंने समझा है, उनके लाइक कैसे उनके एहसासात होते हैं और उनकी रूटीन कैसी होती है, उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैंने अंडरस्टैंड किया है। आई हैव बीन अ स्टूडेंट एज वेल, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ मैंने कन्वर्सेशन होल्ड की हैं और बहुत कुछ उनके बारे में सीखा और समझा है। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को सेंटर में रखते हुए अपनी चीज़ों को बिल्ड करें। टू बी द अर्थ्स मोस्ट स्टूडेंट सेंट्रिक कंपनी, वेयर स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम ऑनलाइन इन द इजीएस्ट एंड एन्जॉयबल वे एंड एन अफोर्डेबल प्राइस। कि वो स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि हम दुनिया की एक ऐसी कंपनी बने या मोस्ट स्टूडेंट सेंट्रिक कंपनी बने जो स्टूडेंट्स की तवज्जो का मरकज हो, स्टूडेंट्स जिसके ऊपर रिलाई कर सकें, और फिर स्टूडेंट्स को हम ऑनलाइन तैयारी कराएं। लाइक ऑनलाइन तैयारी हम इस तरीके से कराएं कि उनकी तैयारी ईजियर भी हो, एन्जॉयबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो, राइट? सो वी आर बेसिकली ऑफरिंग द एग्जाम प्रेप सॉल्यूशन। बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं एग्जाम प्रेप के ऊपर, इसीलिए हमारे मिशन में भी वर्ड एग्जाम प्रेप है कि एग्जाम प्रेप वी आर ट्राइंग टू मेक इट ईजियर, एन्जॉयबल एंड अफोर्डेबल। एंड हाउ वी आर ट्राइंग टू डू इट, वी आर ट्राइंग टू डू इट ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के थ्रू। एंड दैट टेक्स अस टू द कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज बड़ी ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ को लेके, उसकी वर्किंग को लेके। उसमें लाइक ये कोर वैल्यूज़ हैं, ये मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ये वैल्यूज़ शेयर करते हैं, और ये वैल्यूज़ मैं आपके सामने भी रखना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर है स्टूडेंट्स फर्स्ट। हम ये समझते हैं कि इट्स ऑल अबाउट व्हाट एवर वी आर डूइंग, इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। हमारी ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का जो हीरो है वो स्टूडेंट है, राइट? सो वो सेंटर में है। हमें अगर दाएं बाएं एडजस्टमेंट्स करनी भी पड़ती हैं, हम स्टूडेंट्स की खातिर करते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रूफ ये है कि मल्टीपल टाइम्स जब एग्ज़ाम डिलेज होते हैं, लाइक हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में पाकिस्तान में, खासतौर पे जैसे एम डी कैट का एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, वो मल्टीपल टाइम डिले हुआ, हमने बगैर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हमने स्टूडेंट्स तक अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को एक्सटेंड किया, हत्ता कि हम उनसे चार्ज कर भी सकते थे, वो मजबूर थे उस वक्त, लेकिन हमने स्टूडेंट्स का भला इसी चीज़ में जाना कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज को और प्रोडक्ट्स को उनके लिए एक्सटेंड कर दें, ताकि वो 100% बच्चे वो एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। सो स्टूडेंट्स हमारी तवज्जो का मरकज़ हैं और ये हमेशा रहेंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट। इवन टीम के पास भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करती है कि अगर कोई ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे एक साइड पे स्टूडेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और एक साइड पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो उनको पता है कि हमने खुद कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हम खुद बियर करेंगे, लेकिन स्टूडेंट के एंड पे हमने प्रॉब्लम नहीं आने देना। वो हम एटलीस्ट इसके लिए भरपूर कोशिश करते हैं। हमारी जो एफर्ट्स हैं उनकी सिंसेरिटी में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली फास्ट ग्रोथ। हम चाहते हैं फास्ट ग्रोथ फॉर एवरीवन। स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट्स वो क्विकली ग्रो करें एज अ स्टूडेंट, टीम मेंबर्स ग्रो करें एज प्रोफेशनल्स, एज वेल एज फाइनेंशियली भी ग्रो करें, अपनी लाइफ्स के अंदर ग्रो करें, लाइक पूरी कंपनी फास्ट ग्रोथ को एम कर रही है। सो फास्ट ग्रोथ फॉर एवरीबॉडी, ये भी एक हमारी कोर वैल्यू है। और फास्ट ग्रोथ आपको पता है कि कन्वेंशनल बिजनेस में और स्टार्टअप में यही बेसिक डिफरेंस होता है फास्ट ग्रोथ का। तो टॉप ग्रेड इज़ अ स्टार्टअप ऑफ कोर्स, हम एक अनट्रेवल्ड पाथ के ऊपर चल रहे हैं, हम उस तरीके से काम को करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पहले किसी ने नहीं किया। तो और ऑफ कोर्स वी आर एमिंग फॉर द फास्ट ग्रोथ फॉर द कंपनी, फॉर मी, फॉर द फाउंडर्स, को फाउंडर्स, फॉर द टीम, फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर एवरीबॉडी, राइट? फास्ट ग्रोथ। और थर्ड नंबर पे जो एक चीज़ मैं समझता हूँ कि कोर वैल्यू है हमारी और वो इनकल्केटेड है इनटू ईच एंड एवरी टीम मेंबर, दैट इज 10x थिंकिंग। हम जो भी कर रहे होते हैं ऑल द टाइम हम ये सोचते हैं साथ साथ, यार इस काम को 10 गुना बेहतर कैसे किया जाए, राइट? सो इसको हम बोलते हैं 10x थिंकिंग, राइट? 10x थिंकिंग। जैसे अब हम जैसे टॉप ग्रेड ऐप को डिज़ाइन करते हुए हम ये सोच रहे थे कि हमने फिजिकल एकेडमी के मुकाबले में 10 गुना बेहतर तैयारी कैसे करानी है, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चा फिजिकल एकेडमी में जाकर फेस करता है लेकिन हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सो दिस इज 10x थिंकिंग, राइट? सो ये हमारी बड़ी सॉलिड कोर वैल्यू है 10x थिंकिंग। और नंबर 4 पे हमारी जो कोर वैल्यू है दैट इज ओनर माइंडसेट,
राइट, हम अपनी सारी की सारी टीम को ये कहते हैं, मैं ये समझता हूँ हमारा हर एक स्टूडेंट, हमारा ईच एंड एवरी सिंगल पेड सब्सक्राइबर भी मेरी टीम का हिस्सा है, क्योंकि वो भी बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में. तो सबको मैं कहता हूँ कि हैव एन ओनर माइंड सेट, थिंक लाइक एन ओनर नॉट लाइक अ रेंटर. मैं अपनी टीम के लिए कहता हूँ कि अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं खुद इस कंपनी का मालिक हूँ और मैं इसको चला रहा हूँ, तो आपकी जो फील है वो इसके बारे में डिफरेंट होगी, आपकी लर्निंग भी मच बेटर होगी और आप इसमें जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो भी मच बेटर वे में कंट्रीब्यूट करेंगे. अगर आप ये सोचेंगे कि ये इनकी कंपनी है या ये डॉक्टर मौजल की या किसी भी एक्स वाई जेड की कंपनी है, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, एज एन ओनर अगर आप इसके अंदर एक्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे जो कि आपको करना चाहिए. और इसकी वजह से हमारा कंपनी का तो नुकसान होगा सा होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान आपका होगा कि जो सीख आपको मिलनी चाहिए डे इन डे आउट बेसिस के ऊपर काम के थ्रू, वो आपको नहीं मिल सकेगी. सो ओनर माइंडसेट, ये बड़ा एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू है TalkRate.pk की. इसके अलावा कैजन, यस ये भी हमारी एक कोर वैल्यू है. कैजन एक जैपनीज वर्ड है, इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, लाइक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. लाइक हम डेली बेस पे अगर सोचें ना कि डेली बेस पे हमने थोड़ी थोड़ी सी, हर बंदा अपने काम को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता चला जाए, जो भी वो कर रहा है वो कोशिश करें कि यस्टरडे की निस्बत आज कुछ बेहतरी उसके अंदर लेके आए, भले थोड़ी सी लेके आए, वो भले एक दिन के अंदर वो बेहतरी बड़ी ऑब्वियसली विजिबल भी ना हो, लेकिन थोड़ी सी बेहतरी लेके आए ओवर ओवर वीक्स ओवर मंथ्स ओवर ईयर्स, वो छोटी छोटी चेंजेस ही अक्यूमुलेट होके रिमार्केबल चेंजेस बन जाती हैं. सो हम कैजन टेक्निक हम इसको भी यूज़ करते हैं, ये भी हमारी कोर वैल्यू है. एंड देन मेरिट एंड ऑनेस्टी, जो भी हम रिक्रूट्स लेते हैं अपनी टीम के अंदर, जिन लोगों को हम लेके आते हैं, हम प्योरली मेरिट के ऊपर लेके आते हैं और हम बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के ऊपर बिलीव करते हैं. हम ऑनेस्ट ग्राउंड्स के ऊपर ही डिसीजंस बनाते हैं अपनी टीम को लेके, टीम में जो लोग प्रमोट हो रहे होते हैं या जिसको जॉन से भी हम जिम्मेदारियाँ दे रहे होते हैं, ऑफकोर्स हम मेरिट की बेसिस के ऊपर और बड़े ऑनेस्ट ग्राउंड्स के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं. और 100% टीम मेंबर से मैं 100% मेरिट एंड ऑनेस्टी को ही एक्सपेक्ट करता हूँ. अनड्यू मैं कभी भी नहीं कहता किसी भी टीम मेंबर को कि वो किसी दूसरे को किसी भी वे में आउट ऑफ द वे जाके वो अब्लाइज करे. ऑफकोर्स मेरिट पर अगर किसी को कर सकता है तो वो करे. सो अगर आप मेरिटो अगर आप मेरिट के ऊपर डिसीजन नहीं बनाते और अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं, तो सॉरी टू से TalkRate इज नॉट योर प्लेस. सूनर और लेटर आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे. सो इट्स बेटर इफ यू डोंट शेयर दीज वैल्यूज, आई वुड एडवाइज यू टू डिपार्ट फ्रॉम हेयर. एंड उसके बाद फिर लास्ट जो कोर वैल्यू है हमारी, दैट इज बी अ ग्रेट ग्रेट टीम प्लेयर. राइट, ग्रेट टीम प्लेयर का मैंने वर्ड यूज़ किया. लाइक ये नहीं है कि आप समझें कि सिर्फ जो बस मैं कर रहा हूँ, लाइक मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर ही करूँगा, क्योंकि ये सारा जो भी हम कर रहे हैं ये सारे के सारे एक टीम वर्क है. बहुत सारे लोग हैं इस सिस्टम का जो पार्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, और हर एक का जो काम है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. राइट, तो यू आर एज स्मार्ट एज एनीवन एल्स इज. राइट, तो जैसे आप भी उतना ही स्मार्ट हैं लाइक जितने बाकी सारे भी स्मार्ट. हर बंदा अपने अपने तरीके से रोल प्ले कर रहा है. आपने अपनी एक इंट की अलग मस्जिद नहीं बनानी. लाइक आपने पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी पोजीशन को भी अंडरस्टैंड करके, उनके काम को भी अंडरस्टैंड करके इस चीज़ को लेके चलना है. सो यू हैव टू बी अ गुड टीम प्लेयर. अगर आप टीम के साथ अच्छी लाइंस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनके साथ अच्छी हार्मनी नहीं बना सकते, तो भी आप TalkRate को अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे. सो ये थी हमारी कोर वैल्यूज़. ख़ास तौर पे मैंने ये अपनी टीम के मेंबर्स के लिए रिकॉर्ड की हैं. जो भी नया टीम मेंबर ज्वाइन करेगा मेरी इस वीडियो को देखेगा, और मैं उसको एडवाइस करूँगा कि हमारा मिशन दिमाग में फिट कर लें, हमारा विजन अपने दिमाग में बैठा लें इसको, और अगर आप विजन शेयर करते हैं तो TalkRate में आप रहें, अदरवाइज आपको यहाँ पे रहने का कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपनी वैल्यूज़ को अपने सीने से लगा के रखते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और 100% ऑफ द वैल्यूज़ अगर आप हमारे साथ शेयर करते हैं, येस वी वेलकम यू टू TalkRate. अदरवाइज आई थिंक कि हमें अच्छे से एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए. राइट, सो थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.